वेलकम टू गोगोज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं निकल गई हूँ हस्बैंड के साथ थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गई है और छुट्टी मिला है तो घूमना तो बनता ही है। और ये रास्ता मुझे बहुत डर लगता है। इधर देखो, 2 बड़ा बड़ा सा मस्जिद है, शमशान क्या बोलते हैं उसको, तो जो भी हो, रात को इधर पूरा अंधेरा होता है, बहुत डर लगता है इधर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शमशाबाद मार्केट, थोड़ा घर का मतलब पर्दा वगैरह कुछ थोड़ा लेना है। और इधर ना गणपति जी का प्रसाद दे रहे थे सबको, मैं सोच रही थी थोड़ा खा के जाऊँ, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया। और देखो, ये है सियासेफ क्वार्टर, क्वार्टर के बाहर से हम लोगों को जाना पड़ता है शमशाबाद मार्केट। तो वो भी जा रहे हैं और इतना सुंदर फूल की बगान है ना इधर, बहुत अच्छा लग रहा है। रास्ते में देखा कि गुलाब का बगान है इधर, बहुत ही अच्छा लग रहा था, कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। और इधर मैं हस्बैंड के साथ पचर पचर करते करते जा रही थी, हस्बैंड परेशान हो गए थे मेरी बातें सुनते सुनते। पहुंच गए शमशाबाद मार्केट, बहुत नाम सुना था लेकिन इधर आके पसीना छूट गई, कुछ भी अच्छा नहीं मिला। पर्दा लेने के लिए दुकान पे आई लेकिन पर्दा भी अच्छा नहीं लगा, देख ही सकते हो, अच्छा नहीं लगा। तो निकल आए और आए मिठाई की दुकान पे और देखा इतना सुंदर सुंदर मिठाई भजिया, लेकिन क्या करे, आज मेरा व्रत है राधा अष्टमी का, तो बाहर का कुछ भी नहीं खा पाएंगे, भजिया और नमकीन वगैरह कुछ भी नहीं खाएंगे। तो लड्डू बहुत पसंद आ रहे थे मुझे, घर के लिए लेना चाह रही थी लेकिन घर में ऑलरेडी प्रसाद है इसलिए नहीं लिया। तो हस्बैंड लड्डू खाए, देखो बहुत, इधर कैमरे में इतना समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत ही बड़ा बड़ा लड्डू था इधर, लेकिन बहुत महंगा था लड्डू बोलो मिठाई बोलो। एक गुलाब जामुन 20 का, कौन खाएगा बताओ, इतना महंगा कोई लेता है क्या? तो इधर ना बहुत टेस्टी टेस्टी खाना था, गोलगप्पे थी, मुँह में पानी आ रहा था, पेस्ट्री थी लेकिन नहीं खा पाए, तो बस मिल्क शेक ही पिया मैंने, देख के ही चले आए। मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो फिर खाएंगे सब। और इधर मैं हस्बैंड के पास से लड्डू खाया था थोड़ा सा, तो मुंह में लग गया और मैं चाट के खा लिया। तो खाना पीना ख़त्म, हम अभी चल रहे हैं घर के तरफ। और रास्ते पे देखा शिव मंदिर, बहुत ही अच्छा लग रहा था शिवलिंग, जो दूर से बहुत बड़ा सा दिख रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा चलो देख के आते हैं पूजा, तो नहीं कर पाएंगे लेकिन चलो कि कब खुलता है क्या, देख सकते हो दूर से उतना दिखाई नहीं दिया। तो अभी जा रहे हैं उधर ही कि थोड़ा दर्शन कर लेते हैं प्रभु की, आज का दिन भी बहुत ही अच्छा है। मंदिर के सामने जाते ही देखा बजरंगबली का बहुत ही सुंदर एक मूर्ति, रास्ते में आते आते इतना सुंदर एक मंदिर देखा ना, बहुत ही अच्छा लगा शिव मंदिर। तो वहीं पे आए हैं हम लोग, अभी अंदर जाएंगे और आरती भी शुरू हो गए हैं, बहुत ही अच्छा टाइम पे आए हैं, देख ही सकते हो ना आगे आरती। और इधर हस्बैंड मुझे मना कर रहे थे कि अंदर वीडियो मत करना, तो अंदर हम लोग नहीं जा पाए, बाहर से प्रणाम करके चले आए। इधर जीन्स टॉप्स पहन के अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम साड़ी पहन के आएंगे पूजा करने के लिए। तो अभी हम लोग आए हैं क्वार्टर के अंदर, एक अन्ना की दुकान है, इधर सब कुछ मिलता है, माला नेल पेंट मतलब बुक्स वगैरह। और इधर गणपति जी का पूजा भी हुआ था तो पापड़ वगैरह बहुत कुछ, इधर डिब्बे भी मिलते हैं, तो मैं स्पेशली डिब्बे लेने के लिए आई हूँ। सब कुछ मिलता है इधर, चॉकलेट वगैरह लड़कियों का, वो मुल्तानी पाउडर। तो इधर से मैं एक नेल पेंट लिया तो अच्छा लगा, तो देख ही सकते हो गिफ्ट वगैरह बहुत कुछ है। तो उसके बाद हम लोग अभी थोड़ा क्वार्टर घूम रहे हैं, क्वार्टर के अंदर ही शिव मंदिर है और बजरंगबली की मंदिर है, तो उधर ही ना गणपति जी का बहुत सुंदर से पूजा हुआ था, तो उधर ही आए हैं, देख ही सकते हो, बहुत ही अच्छा लगा। भोलेनाथ का तो दर्शन नहीं हुआ उधर, लेकिन इधर भोलेनाथ का दर्शन कर लिया। तो भगवान चाहते थे कि उधर ना जाके तू मेरे पास आ, तो इधर आ गई, तो देख ही सकते हो हस्बैंड बजा रहे हैं घंटी
और इधर गणपति जी का बहुत सुंदर से पैंडल करके बहुत लाइटिंग वाइटिंग लगा के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर भी बजरंग बली का मूर्ति बना हुआ है बहुत ही सुंदर सा। देखो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही बड़ा ग्राउंड भी है इधर, सब लोग होली मनाते हैं एक साथ। तो बस अभी जाएंगे अन्ना की दुकान पे, क्योंकि हमारा जो सामान था वो अन्ना की दुकान पे रख के आए थे। तो अभी घर के लिए रवाना हो रहे हैं। और इधर देखा कि छोटा सा एक पार्क भी है। क्वार्टर के बाहर ही एक सब्जी का दुकान था, तो कल के लिए थोड़ा सब्जी भी ले लिया। तो घर जाते वक्त हमारे घर के सामने जो एक मार्केट है, उधर भी बहुत सारा गणपति जी का पूजा हुआ था। तो हम लोग तो देखने नहीं आ पाए, लेकिन आज थोड़ा पूरा घूम के गए। कितने सुंदर गणपति जी है ना, बहुत ही अच्छा लगा। बिल्डिंग आ गए, तुम्हें की बाइक डूबा ना क्या नो कोथा जा छो। तो इधर मैं घर पहुंच गई और हस्बैंड थोड़ी देर बाद आएंगे, तो ताला लगा के गई थी। तो रूम के अंदर आ गए और आज बहुत सारा जगह पे गए गई थी। सबत मार्केट गई थी कुछ सामान लेने के लिए कि कुछ खरीदेंगे कुछ घर का। तो उधर मार्केट आप लोग तो देख ही चुके हो कि कुछ भी नहीं है पूरा, मतलब कुछ भी मिलता नहीं है इधर अच्छे से। और मॉल है इधर, लेकिन थोड़ा दूर है, एयरपोर्ट के सामने है वो। तो उधर अभी नहीं जा पाए, तो टाइम नहीं था। तो उसके बाद थोड़ा कैंप के अंदर एक अन्ना की दुकान है, तो उधर गए थे। तो उधर जाके थोड़ा सामान लेना था, मुझे डिब्बे लेना था जो आटे वगैरह रखने के लिए, थोड़ा डिब्बे लिया। और सब्जी भी लेके आई कल के लिए, क्योंकि हस्बैंड का सुबह ड्यूटी है तो, और कल खाएंगे भेज तो इसके लिए। और गई थी मंदिर में गई थी, लेकिन दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि उधर जीन्स टॉप्स अलाउ नहीं है, साड़ी या सलवार पहन के जाना पड़ेगा। और हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग मंदिर जाएंगे, रास्ते में देखा कि शिवलिंग बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए तो मैंने बोला कि एक दिन जाएंगे पूजा करने के लिए, आज चलो थोड़ा देख के आते हैं कैसा क्या है। तो इसलिए थोड़ा गए थे, बाहर से ही प्रणाम करके आ गए, नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे वो भी पूजा करने के लिए। दिया जला के नहीं गई थी, तो अभी दिया जलाऊंगी। आज राधाष्टमी है, तो पूजा मैंने सुबह कर लिया था, और अभी मैं थोड़ा दिया जलाऊंगी, थोड़ा फ्रेश होंगी। और बहुत ही गर्मी लग रही है, तो फटाफट से मैं दिया जला लेती हूँ। और दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए और भी अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँ। लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। बाय बाय।